फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आपके पास कोई बहुत पहले की कोई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है और आप उसे रंगीन करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से उस फोटो को रंगीन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन को ढूंढ कर लाया हूँ जिसमें दोस्तों यदि आपके दादा दादी नाना नानी की पहले की कोई पुरानी फ़ोटो है और आप चाहते हैं कि उसे हम कलर बनाना, तो आप इस एप्लीकेशन में ये सारा काम कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको जानना है कि हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को रंगीन कैसे बनाएं, तो आप हमारी इस वीडियो को सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस ट्रिक को यूज करना। यदि आपको जानना है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं उस ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से करना होगा लाइक, और यहाँ से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम, या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कमेंट को दोस्तों यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले उसकी सेटिंग और किस तरीके से हमें इसे यूज करना है यह आप समझ लीजिए। उस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको इंस्टॉल करने के बाद में आपको करना है ओपन। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। पीछे की बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी और आपको ऊपर में चूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपली चूज इमेज फ्रॉम गैलरी के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो आप अपने बैकग्राउंड यानी कि आप अपने गैलरी से कोई भी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट यहां से ले सकते हैं। तो मैं यहां से एक फ़ोटो ले लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैं यहां से फ़ोटो को क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर लोडिंग होगा, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक कलरफुल फ़ोटो बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को क्लिक किया था और यहाँ पर एक रंगीन फ़ोटो बन गया। सेम इसी तरीके से आप भी किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को यहाँ पर सर्च करें और यहाँ से रंगीन फ़ोटो दोस्तों बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, यहाँ से दोस्तों आप इसके कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर भी जाकर आप इसको कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी फोटो को आप ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बना सकती हैं। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यह एप्लीकेशन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही एप्लीकेशन है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में दोस्तों कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ।